गौहर खान के लिए आई गुड न्यूज, मिली वापस शूटिंग करने की परमिशन। परमिशन के साथ साथ गौहर को मिली फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया से एम्प्लॉय से वार्निंग। बीते दिनों बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी बीएमसी ने अभिनेत्री गौहर खान के खिलाफ कोविड-19 गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसके बाद एफडब्ल्यूआईसीई यानी फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सीने एम्प्लॉयज ने उन पर 2 महीने का बैन लगाया था। लेकिन ई टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अब गौहर पर लगा हुआ बैन फाइनली हट चुका है। एक सोर्स ने ई टाइम्स को बताया कि बैन लिफ्ट करते वक्त लेटर में लिखा गया कि आप फिर से इतने लापरवाह नहीं हो सकते, इस तरह की एक और घटना और हम प्रतिबंध को फिर से स्थापित करेंगे और इसे लंबे समय तक नहीं उठाएंगे, कृपया जीवन को महत्व दें और दूसरों को खतरे में न डालें। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक अब गौहर फिर से अपनी शूटिंग शुरू कर सकती हैं। एफडब्ल्यूआईसीई जनरल सेक्रेटरी अशोक दुबे ने इस पूरे मामले पर कहा, गौहर की सजा पर शिथिलता बरती जा सकती है, लेकिन हाँ, हम उन्हें एक पत्र दे रहे हैं जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि वो इस अपराध को दोबारा नहीं दोहरा सकती। क्या कहना है आपका इस पूरी खबर पर, बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। एंड ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू टेली मसाला ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।